वेलकम बैक टू ग्रोइंग होप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब मज़े में होंगे, घर में होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज क्या बने, चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये तो मैंने शूट करते करते रह गई। मैंने सोचा चलो एक तरह से वही मीठी भी कुछ बना ले। संडे है आज, तो संडे का तो स्पेशल होना ही चाहिए कुछ नाश्ता। तो सोचा दूध वाली सेवई बना दें थोड़ी सी, तो ये मैंने बना दी, सिंपल सी बनाई है। चल गाइस, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी दोनले का ऑमलेट ब्रेड के साथ, और बाकी जो पेस्ट ये बचेगा, ये मेरा पेस्ट पड़ा हुआ है दोसा का, दोसा इडली बनाया था। सबसे पहले आज हम बनाएंगे ये दोंडे का ऑमलेट। इसकी मैंने तैयारी कर ली, सब काट पीट के रख दिया है। देखती हूँ धनिया है तो अभी निकालती हूँ। और ये मेरा पेस्ट बचा हुआ था, तो ये भी पड़ा है मेरे पास, तो मैं इसके वो बना दूँगी उत्तपम। तो मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, और मिलते हैं हम। जैसे ही मैं ये आपको शूट करके बता रही थी, इन द मीन टाइम इधर से थोड़ा सा इसको ढका मैंने, और ये तब तक निकल गया। पर ये बन चुका है, मैं इसको करती हूँ ऑफ और गैस साफ करती हूँ। तो बस देखिए, एक तरफ से अच्छे से दो अंडे का ऑमलेट बनेगा आज। ऐसे तो कोई ज्यादा वैसा तो है नहीं, थोड़ा सा चारों तरफ फैला देंगे, लेकिन कम ही खाते हैं अच्छे से। तो सोचा चलिए आज पहले दो अंडे का ऑमलेट बना लेंगे, और मेरे पास ना दोसे का भी पेस्ट पड़ा हुआ था, बस उसका उत्तपम बना लेंगे। तो दो दो चीजें हो जाएंगी और साथ में हो जाएगा सेवई, तो हमारा जबरदस्त बढ़िया सा नाश्ता हो जाएगा। मैंने इसमें नमक और ये डाल दिया हमारा, थोड़ी सी लाल मिर्ची खिसक रहा है ना, उसको अच्छे से फेंट लिया, फिर चढ़ा दिया मैंने नॉन स्टिक में, बहुत अच्छा बनता है पैन में। और तो बस इसी तरह से डाला तेल इसमें,
और ये तेल गरम हो जाएगा ताकि चारों तरफ से सेक लेंगे, फिर इसको पलट लेंगे। हमने काट के रखा हुआ हरी मिर्ची, ये देखिए बस ये टूटी प्याज और हरी मिर्ची से काट के थोड़ा सा सूख जाएगा ना ऑमलेट। टमाटर देंगे तो देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये जानबूझ के ज्यादा काट लिया है ताकि मैं इसमें भी इस्तेमाल कर लूं। बढ़िया बना हमारा ऑमलेट, फटाफट गरम रहेगा तो बस ये ऑमलेट बन गया। तवा दूसरा है उसका, इसको हम बनता है एक तरफ से, तो मैं ऑमलेट दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। देखिए ये हो गया गरम गाइस, जरूरत नहीं। और मैंने डाल दिया इसके बाद हम बनाएंगे हरी मिर्ची। वेलकम बैक। तो अब हम बनाएंगे उत्तपम, तो चलिए हमारे साथ उत्तपम बनाने। ये सेवई तो हमारी बन चुकी, तो ये देखिए उत्तपम। तो गाइस मैं क्या बताऊँ, इतना शोर होता ना, मैं सारी मेरी सत्यानाश हो गई है ये वीडियो ना, उल्टा सीधा वॉइस ओवर हो रहा है। तो अब मैं बनाऊँगी उत्तपम। ये तवा मेरा गरम हो गया है, ये मैंने पेस्ट लगा दिया इसमें, पेस्ट लगा दिया है मैंने इसमें, और इसको फैला दूंगी, मैं फैला दूंगी। और इसको फैलाने के बाद इसमें वो डाल दूंगी जो मैंने प्याज और टमाटो कट करके रखा हुआ था, और इसको कच्चे के ऊपर ही डाल देंगे सो दैट वो चिपक जाए अच्छे से। और करछी से आप ऐसे से पैट कर दो, थोड़ा सा नमक हल्का सा और काली मिर्ची थोड़ा सा भुरक दो जब आप डालने लगते हो, ताकि और थोड़ा सा चटपटा बन जाएगी, क्योंकि इसको हम सॉस के साथ खाने वाली चटनी तो मेरे ख्याल शायद थी नहीं, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया इसको। तो देखिए ये अच्छे से पूरा सूख जाए पेस्ट, इसमें चिपका दो करछी की सहायता से प्लेन प्लेन करके। और उसके बाद इसको थोड़ा सा आसपास हम इसका ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए, नीचे से चिपके ना ज़्यादा देर, और क्रिस्पी सा ये बन जाए। तो फिर हम इसको थोड़ी देर में हम इसको पलट लेंगे, तो ये हमारा उत्तपम रेडी हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी, अभी ये पहले बने सिके। अब ये देखिए थोड़ा सा तेल थोड़ा सूख गया, तो ये थोड़ा सा ऑयलिंग कर देंगे आसपास, और ये देखिए आप ये अच्छे से सूख गया ना। बस अब करछी से इसको पैट करके पलट लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा उत्तपम। इसमें कोई ज़्यादा इतना करना नहीं पड़ता, थोड़ा सा ये डोसे से थोड़ा सा मोटा बनता है, तो दो का पेस्ट था तो मैंने कहा दोनों का एक एक बन जाएगा। तो ये देखो मैं करछी से पैट कर रही हूँ, पैट करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए अभी अच्छे से नीचे से बहुत बढ़िया से सिक गया, अब हम इसको टर्न कर देते हैं, चिपक गया अच्छे से ये। और ये देखिए अब मैं इसको टर्न कर दूंगी ताकि इस तरफ से भी जहाँ से प्याज डला है वो भी थोड़ा सा सिक जाए। मैं इस तरह से बनाती, कई लोग तो ऐसे ही उतार देते हैं, मेरे को कच्चा लगता है, मैं उधर से भी थोड़ा सेक लेती हूँ, थोड़ा प्याज व्याज इधर उधर गिरता है उसको वापस डाल लेती हूँ प्लेट में। तो इस तरह से अपना अपना स्टाइल है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। तो ये अब हमारा पूरा इधर से भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे, निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरफ से भी हम अच्छे से सेक लेंगे इसको, इवनली। थोड़ा थोड़ा सा तेल अगर डालना है तो डाल दीजिए, वैसे चिपकेगा तो नहीं है, पहले हम डाल चुके हैं तेल, तो ये डाल देंगे हम। तो इस तरफ से भी सिक गया, मैंने डिश आउट कर दिया, ये देखिए ये थोड़ा सा रह गया, इसके ऊपर डाल दीजिएगा क्योंकि चिपक जाता है, निकालना तो पड़ता ही है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, तो इस तरह से मैं करके और
तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया, ये जो रह जाता है इसको भी इस पे इसी के ऊपर डाल दो, गरम गरम चिपक जाता है अच्छे से दोनों तरफ से इवनली, ये सिक जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो अपना अपना स्टाइल है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अब मैं दूसरा बना लूँगी इसी तरह से, तो दूसरे के लिए भी ये देखिए पेस्ट मैंने डाल दिया, चारों तरफ मैं इसको फैला दूँगी अच्छे से, और बस ये दूसरे वाले भी पूरा अच्छे से मैंने कर दिया, छोटा सा बन गया मेरा, मेरे को इतना है भी नहीं, इनको खिला दूँगी पहले। ये मैंने बना दिया और सेम वैसे ही इसके ऊपर भी हम फैला के फटाफट प्याज टमाटर कटे हुए और थोड़ा सा करी पत्ता वगैरह डाल के और बस इसको फैला देंगे, ये भी बन जाएगा कि नीचे से पहले सिक जाए, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करके, ये देखो टमाटर जितने भी थे मैंने ज़्यादा नहीं काटे, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को खाना था सब्ज़ी अच्छा होती है कभी भी नहीं होती, मैंने कहा जितना बचा हुआ मैं इसी का बना देती हूँ छोटा सा भी अपने लिए। तो इसी तरह से मैंने इसको फटाफट, ये देखो मैंने इसको फटाफट कच्चे में ही चिपका दो तो ये चिपक जाता है, फिर आप पलट दोगे कुछ नहीं होने वाला, कोई चिपकेगा नहीं ज़्यादा, हल्का बहुत जो चिपकता है डिश आउट करते समय वो वापस उसी के ऊपर प्लेट में डाल दो, उसको ऐसे ऐसे कर दो चिपक जाता है। तो इस तरह से मैं सेकेंड वाला भी बना दूँगी और बस ये बन जाएगा। देखिए मेरे ये सेकंड वाला भी पहले वाले की तरह ही बनाना, कोई ऐसे तो है नहीं इसको दूसरे स्टाइल से बनाना है कुछ। एग्जैक्टली ये मेरे दो बन जाएंगे, तो ये मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको पलट दूंगी, इसको भी थोड़ा सा ऑयलिंग कर दूंगी चारों तरफ से हल्का हल्का सा, और फिर इसको मैं पलट दूंगी। ऑयलिंग कर दिया मैंने, टाइम लगता है इसको ना एक डेढ़ मिनट अगर रखो तो बहुत ही अच्छा बनता है, ऊपर से भी अच्छा सिक जाता है और चिपक जाता है। तो उसके बाद आप इसको पलट दो, इस तरह से ये पलट दिया है, इससे भी इधर से भी सेक लो बस, और तवा गर्म रहता है या तो ऑफ़ कर दो थोड़ी देर में, अगर दो ही बनाए लास्ट में तो फिर उसके बाद आप डिश आउट कर दो इसको, इसको भी कुछ नहीं इतना करना। तो इस तरह से ये मेरा सेकेंड वाला भी तैयार हो गया गाइस। इसको पलटती हूँ तो मैंने बंद कर दिया, इसको पूरा पक चुका है, ये डिश आउट करके ये दोनों उलट पलट कर दिया, अच्छा करारा, हाँ थोड़ा अच्छे से सिक गया मेरा तो करारा करारा, पीछे से प्याज वगैरह भी सब अच्छे से सिक गई है। तो बस मैं इसको निकाल लूँगी, नाश्ता हमारा तैयार है, इधर का भी काम, उधर का भी काम, इन सबको उतार के प्लेटिंग कर दूँगी। तो गाइस नाश्ता इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए आप कैसे बनाते हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो अब इसके बाद मैं एक तरफ सेवई और ब्रेड मैंने सेक ली हल्की हल्की, ये मैं रख दूँगी ऐसे, और साथ में ये ऑमलेट फोल्ड करके लगा दूँगी ऐसे। हमारा फाइनली ये मेरा अत्तपम भी रेडी हो गया, सेवई रेडी हो गए, ब्रेड मैंने हल्की सी सेक ली और ये ऑमलेट, तो मैं जाती हूँ उनको देने। तो ये मेरा सुपर डुपर नाश्ता रहा संडे का। तो आप भी बताइए आप कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे शेयर करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं जाती हूँ इसको सर्व करने हस्बैंड को देने, तो मैं चलती हूँ सर्व करने अपना सुपर डुपर नाश्ता। वेलकम बैक। तो ये देखिए मैं भी आ गई हूँ अपनी प्लेट लेके, उनको नाश्ता वगैरह करा के अब मेरी भी बारी आ गई है। बारी ही होती है, हम लोग तो साथ साथ बैठ के तो बहुत ही कम होता है, अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ, हम बड़े हो गए बच्चे शादी भी हो गई, बहुत ही रेयर चांस होता है लेडीज इकट्ठे खा लें, और आदत भी नहीं है, आदत भी नहीं रही। ऑफिस जाती थी ना 33-35 साल की जो आदत होती है वो धीरे धीरे ही जाएगी। थोड़ा गला वो हो गया था, तो कहने का मतलब ये है ये सब कहने की बातें होती है, लेडीज को तो समेटा समेटी कर लो, ये कर लो वो कर लो, आप खा लो पहले गर्म, मेरे चक्कर में तो आपका भी ठंडा हो जाएगा, कौन बार बार गर्म करता रहे। और लेडीज ना शुरू से ही अपने तरफ ना ध्यान नहीं देती, ये गलत बात है। मैं आज बोलना चाहूंगी कि सारी लेडीज के लिए
कि प्लीज अपने तरफ भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिए। इतना आप करते हो, सबके लिए मरते हो ना, करते हो खपते हो, तो अपने लिए भी टाइम निकालिए। तो एनीवेज, तो ये मैं खाने लगी हूँ। ये मैंने उत्तपम बनाया, ये ऑमलेट था, उनको दिया आधा, थोड़ा सा उन्होंने मेरे लिए भी रख दिया, पूरा नहीं खा पाए। तो एक ब्रेड मैं भी लूँगी और बस खाती हूँ, मिलती हूँ। ऐसी है, ये चलता रहेगा एक और नए ब्लॉग के साथ। और गाइस प्लीज, थोड़ा सा आप, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ।